पैसे की लेन देन को लेकर विशाल झा पर चली गोली। गोली चलाने वाला एक अपराधी 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। कटिहार में पैसे की लेन देन को लेकर चली थी गोली, जिसमें विशाल झा हुए थे घायल। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के डीएस कॉलेज हॉस्टल में विशाल झा पर गोली चलाने वाले शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गोलीकांड का खुलासा करते हुए एसडीपीओ अभिजीत कुमार ने बताया कि विशाल झा को शूट करने वाला मनिया का अमन शाह और रामनगर का श्याम गावा है, जिसने 2 लाख रुपए को लेकर गोली मारी थी। पुलिस ने छापेमारी कर अमन शाह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अमन के पास से 50 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ है। फिलहाल विशाल झा का पटना एम्स में इलाज चल रहा है। बता दें कि डीएस कॉलेज के हॉस्टल में दोस्तों के साथ बैठे विशाल झा को अमन शाह ने गोली मारी थी, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशाल ने गोली मारने वाले शख्स अमन शाह और श्याम गावा का नाम बताया है, जिसमें अमन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। जी, कल डीएस कॉलेज के जो अनावंटित हॉस्टल में जो अनावंटित रूम है, रूम नंबर 25, वहाँ पे विशाल झा जो अपने मित्र के संग, 2-3 दोस्तों के संग बैठे हुए थे, तो खिड़की की तरफ से एक गोली चलाई जाती है, जिससे उनके गले के पास गोली लग जाती है। शुरुआती जो पूछताछ उनसे की गई, उसमें 2 लोगों का उन्होंने नाम बताया था, एक रामनगर के रहने वाले श्याम गावा और मनिया के रहने वाले अमन शाह का नाम उन्होंने लिया था कि उन्हीं लोगों ने ये गोली चलाई है। कारण जानने का हम लोगों ने जब प्रयास किया तो उनके द्वारा बताया गया कि पैसे को लेन देन के 2 लाख रुपए का लेन देन को लेके इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। इनके द्वारा, विशाल झा के द्वारा 2 लाख रुपए इनको दिया गया था और 2 लाख रुपए इनको इनसे मिलना था, जो कि ये लोग देना नहीं चाह रहे थे, जिसमें इन लोग के बीच में विवाद था, जिसको लेकर अमन शाह और श्याम गावा के द्वारा ये गोली चलाई गई है। उनको हायर फैसिलिटीज़ में हम लोगों ने फिर पटना भेज दिया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। उनके दिए हुए बयान के आधार पर जब हम लोगों ने मनिया में अमन शाह के घर पे छापेमारी की तो उनके घर से 50.1 ग्राम स्मैक बरामद हुआ और अमन शाह को गिरफ्तार किया गया। अमन शाह के द्वारा यह बताया गया कि ये जो स्मैक है, ये कहीं बाहर से मंगा के यहाँ के डीलरों को ये और इनके भाई मनोज शाह, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अतः इन दोनों एनडीपीएस एक्ट के तहत अमन शाह और मनोज शाह पे FIR दर्ज करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी तो 2 लोग का इन्होंने नाम लिया है, अभी हम लोग उनका फिर फर्द बयान लेंगे जब वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे, तो अगर कुछ चीज होगी तो। नहीं, अभी जैसा पहला शुरुआती बयान हम लोगों को मिला है, जो पीड़ित ने बयान दिया उसके हिसाब से ये रुपए के लेन देन को लेके ये विवाद हुआ था, लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान भी कर रहे हैं, अगर ऐसी भी कोई बात होगी तो उस पर भी हम लोग आगे अनुसंधान करेंगे, कार्रवाई करेंगे।